यहाँ का नया डॉक्टर हूँ जो आज विजिट पे आने वाला था। आज डॉक्टर आने वाले थे? हाँ, अपने मोबाइल से अगर थोड़ा टाइम मिले तो ये रजिस्टर भी चेक कर लेना। ठीक है ठीक है, देखती हूँ। राकेश शर्मा देखो, अरे वही वही वही, ध्यान कहाँ पे आपका? अबे ओ मच्छर, काम का चला आ रहा है, उससे क्या बात कर रहा है, उससे बात कर। अरे अभी तू तू यहाँ का वार्ड बॉय है ना? हाँ तो? हाँ तो मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ। तू पहले वहां पे जाके खड़ा हो, वहां पे जाके खड़ा हो तू पहले। हाँ तो मैं तुमको क्या बोल रहा था? आप मुझे डांट रहे थे। मैं तुम्हें डांट रहा था? अरे नहीं, अरे नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ना माधुरी। माधुरी बड़ा प्यारा। आप डॉक्टर हो ना? हाँ हाँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे पागलों से मिलवाता हूँ। नहीं मैं इनसे तो बात कर लूँ। अरे उनसे बाद में बात करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। अरे आप चलिए तो सुनो, चलो चलो। अभी तुम इससे क्यों डर रहे हो? आप मुझे पूछिए तुम्हारा नाम क्या है? मानी मोहन। अरे इसको क्या हो गया? तुम्हारा भी शशि भाई। थैंक यू। अरे बॉलीवुड की मूवीज देख के इसका दिमाग खराब हो गया है। बॉलीवुड की या अक्षय कुमार की? अभी जा यहाँ से। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अरे इसका तो बड़ा अजीब केस है। बाबा 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 लवी। अरे अभी इसको क्या हो गया था? अरे 10-15 बार बूगी बूगी के ऑडिशन देके आया है ये। 10-15 बार? हाँ, और पिछले बार तो डीआईडी सुपर मॉम्स के भी ऑडिशन दिए थे इसने। डीआईडी सुपर मॉम्स के? और नहीं तो क्या। फिल्म तो इसे पागल खाने भेजना ही था। अच्छा और इसे यहाँ पर ले अरे अरे तुम डरो डरो, यहाँ पर आओ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोनिका है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जाने वाली हूँ। चुप अंकल। अरे रो मत। अरे ये क्या था अभी? अरे बच्ची है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? ये बच्ची है और नहीं तो क्या। वक्त के साथ साथ इसकी उम्र तो बढ़ गई पर दिमाग नहीं बढ़ा। अरे इसकी तो हाइट भी नहीं बढ़ी है। अरे यार अभी ये कौन है? अपने एरिया का भाई है, इधर से अपनी आवाज चलती है। क्या हो गया इसको? ये सबके ये थोड़ा किधर तो भी सुने ना लग रहा है। तू कल इधर आया था लग रहा है। अरे सर्किट तेरे को कितने बार बोला मैं, वो देख वहाँ किसकी तस्वीर है? आई ना बापू भाई। ए बापू नहीं रे, महात्मा 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 भाई। अपुन को महात्मा ने क्या बोला था? हिंसा नहीं करनी चाहिए भाई। और तू क्या कर रहे ना भाई? वैसे भी याद आ गया, आज सोमवार है भाई, आज सुपर ही नहीं लेते, चलो चलते। हाँ चलो, इन पागलों के मुंह कौन लगेगा। ये हमें पागल बोल रहा है, इसको पता नहीं ये खुद कितना कंफ्यूज है। ए मामू क्या बोल रहे तू? हाँ यहाँ पे अंग्रेजी में बात तो क्या सांस भी नहीं लेगा। ये देखो। अरे 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 सुल्तान, अरे रजा, अरे मुकर्रम, अबू बड़े इल्ले लावी शनिशा दरारना लाउदी मोहम्मद अब्दुल कदारे। तीन चार बार? हाँ, वरना इसे सजाए मौत सुनाई दी जाएगी। सजाए मौत? कौन सुनाता है सजाए मौत? हम सुनाएंगे सजाए मौत। अरे अभी ये कौन है? जोधा को नहीं देखी आपने? जोधा? जैक सिंह। जोधा कहाँ है? हुजूर बेगम तो ब्यूटी पार्लर गई है। बदतमीज, क्या कहा? माफ कीजिए हुजूर, बेगम साइबर ब्यूटी पार्लर गई है।
तुम तो बहुत ही बेशरम हो, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, तंग लिया। आजकल लोग बहुत बेशरम हो गए हो। हाँ, ये भले ही पागल हो, लेकिन ये बात तो इसने बिल्कुल सही कही है। तुम क्या सही गलत बता रहे हो मूर्ख? हम कब के पढ़ा चुके और तुमने अब तक सलाम भी नहीं किया। अरे बाप रे, अभी अकबर राजा को सलाम नहीं किया, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब हम तुम्हें सजा सुनाएंगे। ओहो, तो मतलब अभी अकबर राजा तुम्हें सजा सुनाएंगे? तुम दोनों को सजा सुनाऊंगा, बैठ जाओ। चलो बैठ जाते हैं। भाई भाई दरवाजा खुला है भाई। दरवाजा खुला है? हाँ भाई, सुनो तुम भूख चल के सुनो। अरे हाँ बोल ना। तीन पांच है भाग गए। क्या पांच है? क्या से? अरे यार लगता है पीछे वाला दरवाजा खुला रख दिया। क्या? अरे तुम बैठे क्यों हो? जाओ कपड़े उतार जल्दी। हाँ हाँ। अंकल तीन हो गए। अरे ये सब चल क्या रहा है इस पागल खाने में? हम देख के आते हैं। हाँ जल्दी जाओ। अरे 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 तुम्हें कहाँ भेज दिया मैंने? अरे बाप रे, इतने सारे पागल भाग गए, अब क्या होगा? क्या भाई लोग, क्या चल? हाँ भाई क्या चल? क्या उसे भाई दूसरे कैसे लगा रहे? और भाई क्या माल है? आसमान में चलिए क्या कीजिए, दिखाऊं क्या? ये ले। अरे चोर चोर नहीं बेटा, पकड़ो पकड़ो। इधर पुलिस के झंझट में पड़ते हैं, अगर तुझे हेल्प करनी होगी तो तू कर, हम तो निकल रहे हैं। अरे देखते मामू क्या हुआ है। अरे रुक, टाइम भी ये सब रोक कर। ये देखो मेरा बहुत मजबूर हूँ, सभी के पीछे रंगोलियाँ बना रहे हूँ, इसलिए देश तरक्की नहीं करता आपको। अरे भाई मदद कर दो। है मुझे वो भूत मुझसे क्या मांगता है? मांगी अपने लिए है तुम लोगों की, और मेहनत में जाओ, वोट मांगो, सरकारी दफ्तर में जाओ, रिश्वत मांगो, टीचरों के पास जाओ, असाइनमेंट चाहिए, मांगी अपने लिए है तुम लोगों की। ऐसे क्या भूखा नहीं हूँ मैं, मैं रोजगार नहीं हूँ, कान खोलते सुन ले, करोड़पति गया तेल नहीं। अबे यार कहाँ गए हो? मेरी नौकरी जाएगी पक्का आपको। मदद कर दो। अबे चल ले। अंकल आप ठीक हैं? हाँ अच्छा, मदद कर दो। आप मुझे चॉकलेट दोगे? गली वाली चॉकलेट दोगे? बच्ची क्यों रो रही हो? अंकल ये अंकल गिर गए। तो वो क्यों नहीं गए? मुझे नहीं उठा। अरे तो उठाओ ये। अंकल मैं नहीं उठा पा रही हूँ, आप उठाओ ना। हम कैसे उठाए? हम तो शहर से। अंकल आप
हाथ भी नहीं उठा रहे, बोलकर भी नहीं उठा रहे। इस अंकल की मदद कोई भी अंकल नहीं कर रहा है। क्या हमारे मुल्क में कोई नहीं कर रहा? रुको, जैक से। जी हुजूर। अरे मुल्क, तुम कहाँ छुप रहे हो? बाहर आओ, इसको मदद की जरूरत है। क्या तुम दोनों पीछे कहाँ छुप रहे हो? तुम भी बाहर आओ, इसको उठाओ, इसको मदद की जरूरत है। भाई उठाओगे इसको? अरे ऐसा वाला नहीं, अपने जमीन से उठा फिर उठे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इसको इलाज की जरूरत है, हम इसकी मदद कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो इसे? हम इसे घर ले जा रहे हैं। घर? अच्छा अच्छा, हाँ ले जा रहे हो, चलो। सब लोग मेरे पीछे आओ। हेलो, सेंट्रल मेंटल असाइलम। हाँ मैं डॉक्टर सुनील बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस तैयार रखना, मैं एक पेशेंट को लेकर आ रहा हूँ। इसका इनिशियल ट्रीटमेंट हो गया है, अब इसे बाहर के एम्बुलेंस में बिठा कर जल्दी से जल्दी सिटी हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओके डॉक्टर शर्मा। अच्छा हुआ तुम टाइम पर इसे यहाँ लेकर आए, अब इसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पागल तो भाग चुके थे ना, फिर वापस कैसे आए? इन्हें पागल मत करिए डॉक्टर साहब, आज बाहर इन्होंने हम जैसे नॉर्मल लोगों को शर्मिंदा कर दिया। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम तो पास से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि कौन पुलिस के झंझट में फंसेगा, कौन अपना मन बर्बाद करेगा। आपको पता है उस पेशेंट को यही लोग यहाँ लेकर आए थे, इन्हीं की वजह से उसकी जान बची है। दुनिया भले ही इन्हें पागल कहती है पर पागल तो हम हैं, इनका दिल तो बड़ा साफ है। हाँ ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही, ये लोग दिमाग के भले ही कच्चे हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं।